हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। तो गाइज, अभी जस्टली दिवाली गई है, तो इस तरीके की मिठाई के डिब्बे हम सभी के घर में बहुत सारे आए होंगे और सभी ने इनको रखे भी होंगे। तो आज मैं इन्हीं डिब्बों का बहुत अच्छा रीयूज़ बताने वाली हूँ कि आप ये खाली मिठाई के डिब्बे को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इनसे वैसे तो बहुत ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये मैं इसको अब पार्ट में डिवाइड करूँगी, तो ये मेरा पार्ट वन रहेगा। और भी इसके ऑर्गेनाइज़र बनेंगे, वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में दिखाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक इस तरीके का डिब्बा आया था जिसमें इस तरीके का जो है रैक लगा हुआ था, जो कि इजीली निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसको इस तरीके से क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो फिलहाल अभी ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने क्लीन भी नहीं किया था। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। तो इसके जो भी पार्ट्स हैं अंदर के, वो सब हट जाते हैं। तो वैसे आप इसको और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में दिखाऊंगी। बट एक पार्ट में मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र बताऊंगी कि आप इसको बिना कुछ भी किए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो गाइज, हमारे घर में कुछ इस तरीके की हमारी एसेसरीज और लिपस्टिक वगैरह या हमारा मेकअप का सामान, ब्रशेस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी मैसी हो जाती हैं और ये हमें चाहिए ही होती हैं कुछ। तो आप इसमें इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि क्राफ्ट वगैरह करते हैं तो आप उसका सामान भी इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। बच्चों की स्टेशनरी का सामान भी आप इसमें रख सकते हैं, जैसे कि पेंसिल्स हो गए, उनके कलर्स वगैरह हो गए, तो उनको भी आप इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। तो बहुत तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया करके दिखाया, बाकी कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो यहाँ पर तो मैंने अपना मेकअप का सामान है, जो कि कुछ कंसीलर्स वगैरह हैं, लिपस्टिक वगैरह हैं और कुछ मेरी ईयर एसेसरीज हैं, जिनको मैंने यहाँ पर इसमें रख दिया है। तो क्या है कि अब आपको जो भी आपका सारा का सारा सामान है, आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं और देखिए ये हमारा कितने अच्छे से अरेंज हो गया है। अब आप इसको अपने ड्रेसिंग में या वार्डरोब में, कवर्ड में, आप कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। और इसके ऊपर आप इसका कैप भी इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एक किट बनकर तैयार हो गई है। आप इजिली इसको इस तरीके से खोल कर अपना सामान यूज़ कर दीजिए एंड आफ्टर आप इसको अच्छे से क्लोज करके रख सकते हैं। तो है ना एक अच्छा सा जुगाड़, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे से बॉक्स आते हैं, तो मैं इनको यूज़ करने वाली हूँ। इनको भी आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये काफ़ी थिक और मज़बूत होते हैं, तो आप इनसे बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बन सकती हैं इनसे। तो इनको सबसे पहले मैं एक ट्रे बनाऊँगी, जिसके लिए मैं कोई तामझाम नहीं करूँगी। बस इनको अच्छे से अंदर से लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर गिल्डर सीट ली हुई है, और बस इस गिल्डर सीट को इसके नाप के हिसाब से मैं कट कर लूँगी और यहाँ पर इसके अंदर में कुछ इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर दूँगी। तो ऐसे ही आप दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इंसर्ट कर दी है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक में ही गिल्डर सीट चाहिए, क्योंकि मैं एक को अपने बेडरूम में यूज़ करूँगी एंड एक को मैं अपने किचन में यूज़ करने वाली हूँ। तो किचन के लिए गिल्डर सीट मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वुडन लुक देने के लिए, मेरे पास यहाँ पर एक वुडन रैप सीट है, देखिए ये वाली है, जो कि वाटर प्रूफ है। तो आप मैं इसको इसमें इसको मतलब अच्छे से अरेंज करूँगी, जिससे कि किचन में ये इस तरीके की चीज़ें अच्छा सा लुक देती हैं। तो इसको मैं इसमें इस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से फिक्स कर लूँगी और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हल्का सा ग्लू वगैरह लगाकर मैं चिपका दूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी दोनों ट्रे तैयार हैं। तो इनको कैसे यूज़ करना है, चलिए आइए वो भी फटाफट से देख लेते हैं। तो ये है मेरी मतलब टेबल है, बच्चों की स्टडी टेबल है, तो काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पर ही मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर दूँगी। और यहाँ पर अब आप इसमें कोई भी पॉट वगैरह है, बच्चों की स्टेशनरी का जो ग्लासर होता है, आप उसको भी यहाँ पर स्टैंड वगैरह को यूज़ करके रख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करने से क्या होता है कि आप इनको में प्लेटर वगैरह बना सकते हैं। और प्लेटर से क्या होता है कि इसको क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है, कि आपको हर चीज़ को हटाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से आप इसको खिसका कर और अपना जो भी सरफेस वगैरह है क्लीन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने एक और ये मिठाई के डिब्बे से इस तरीके का भी बनाया था।
दो सीट्स को लेकर मैंने इसको बनाया था। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो इस तरीके से भी आप कोई भी क्रिएटिविटी करके बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है जो मैंने दूसरा वाला बनाया था, उसको मैंने अपने किचन में यूज़ किया है। तो जो हमारे छोटे छोटे स्पाइसेस होते हैं लाइक ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जो मतलब स्प्रिंकल वाली चीज़ें होती हैं, चाट मसाला वगैरह, हींग वगैरह हो गई, तो इनको आप हमें इस तरीके से इसमें अरेंज करके रख सकते हैं, अपने गैस के पास रख सकते हैं, मतलब जहाँ पर हमें नीड हो आप वहाँ इसको इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। और इस तरीके से इसको भी अगेन रखने के लिए वही हमेशा कि इस तरीके से क्लीन वगैरह हो, और इसको पुल पुश करना काफ़ी ईजी हो जाता है, तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एक ये और बनाया था, तो ये मैंने इसलिए बनाया था कि आप इसको एज ए ट्रे यूज़ कर सकें, सर्विंग ट्रे जो होती है आप उसके तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको किसी को कोई चीज़ गेस्ट वगैरह को देना है, स्नैक वगैरह रख कर दे सकते हैं, कप वगैरह रख कर आप उनको इसमें इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से भी अपने ट्रे बनाकर भी मतलब इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो गाइज, सबसे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जुगाड़ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास ये दो बॉक्स पड़े हुए थे, तो इनको मैंने अलग अलग तरीके से यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक इस पहले सबसे पहले मैं इस छोटे वाले बॉक्स का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको अपने ड्रेसिंग के ड्रॉल वगैरह, जहाँ पर देखिए सामान कितना मैसी पड़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो आप इस तरीके के जो बॉक्स वगैरह हैं, इनको अपने कोई भी ड्रॉल वगैरह हो आप उसमें भी अच्छे से इसको यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉल को खाली कर लिया है, तो मैंने यहाँ पर एक अरेंज कर दिया है। दो मेरे यहाँ पर ड्रॉल छोटा था तो नहीं आ पा रहे थे, तो आप इस तरीके से अगर आपका ड्रॉल बड़ा है तो आप दो तीन भी अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। और फिर जो भी सामान आपका छोटा मोटा होता है वो इधर उधर मिक्स हो जाता है, तो अगर आप इस तरीके से मिठाई के डिब्बे वगैरह, बॉक्स वगैरह रख देंगे, तो आपको कोई भी सामान इधर उधर नहीं होगा। और देखिए, सरफेस क्लीन करना काफ़ी ईजी हो जाता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि हमें चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं, उनको निकालना भी काफ़ी आसान हो जाता है। और देखिए यहाँ पर बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रेसिंग के ड्रॉल में अरेंज किया है। आप इसको ड्रेसिंग की और भी जो सामान हमारा होता है डेली यूजेस वाले होते हैं, उनको भी आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं अपने ड्रेसिंग के अंदर, यहाँ पर एक रैक बनी हुई है जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं यहाँ पर इसको अरेंज कर दूँगी। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि मतलब कोई भी एक चीज़ उठाओ तो दूसरी चीज़ बहुत गिर जाती है जल्दी बल्दी में, और फिर वो इधर उधर पड़ी रहती है, कभी कभी तो खिसक के नीचे आके गिर के टूट जाती है, लाइक लिपस्टिक वगैरह है, क्योंकि वो नेल पेंट वगैरह है, अगर एक चीज़ उठाओ तो धोखे से गिर गई तो नीचे गिर के तुरंत टूट जाती है। तो आप इस तरीके से बॉक्स वगैरह रख सकते हैं, उसमें अपनी चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। तो इससे अगर आपकी चीज़ गिरेगी तो बिल्कुल नीचे फ्लोर पर नहीं आएगी, इसी बॉक्स में ही अंदर ही रहेगी, और बस अगेन इसको उठाना मतलब क्लीन करना भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इस तरीके से खिसका कर अपना पीछे का सरफेस क्लीन कर सकते हैं। एंड नाउ अगर आपको इसको उठाकर क्लीन करना है तो आप इस तरीके से पूरा सामान देखिए एक बार में ही उठ जाता है। पहले क्या करना पड़ता है, एक एक सामान को हटाओ फिर क्लीन करो, तो इस तरीके से हमारी मेहनत भी बच जाती है और सामान भी हमें एक जगह पर ही मिल जाता है। तो गाइस, अब ये मेरे पास 1 kg वाले स्वीट का बॉक्स था, तो आप इसको भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारे अपने जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह है, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, उनको रख के भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, आप अपना जो भी ज़रूरत का सामान इधर उधर फैला पड़ा रहता है वो भर के आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने बच्चों की जो नोटबुक है वो इधर उधर गिर जाती हैं, मतलब उनकी स्टडी टेबल से भी बाहर निकल के गिर जाती हैं, तो मैं इस तरीके से बॉक्स में अरेंज कर दूंगी। और बस इनको अपने जो भी जहाँ पर भी आपको रखना है वहाँ पर आप इस तरीके से ईजिली रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने बच्चों की स्टडी टेबल पे भी आपको रख के दिखा देती हूँ कि मैं इनको किस तरीके से अरेंज करने वाली हूँ। तो देखिए उनका कुछ स्टडी टेबल पर ये देखिए क्या हालत हो रखी है नीचे की, इस तरीके से बुक वगैरह फैल जाती हैं, एक निकालो दूसरी गिर जाती है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ही मैंने इस तरीके का जुगाड़ निकाला है।
यहाँ पर देखिए मैंने इस सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और बस इस तरीके से जो स्वीट के बॉक्स में हमने अपनी नोटबुक्स वगैरह रखी थी उनको अरेंज किया हुआ है। तो इस तरीके से आप एज अ ड्रॉल बना कर इनको यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए कि हाँ आपको सरफेस ज़्यादा चाहिए तो आप इसको एक के ऊपर एक रख के भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और इसको भी अगेन मैं बताना चाहती हूँ, निकालना बहुत इजी होता है इस तरीके से, आपको खिसका कर मतलब उसको बुल करके बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने एक और बनाया था जो कि मैं यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपने बच्चों की स्टडी टेबल के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स और था, तो आप इसको जो भी हमारे पास मतलब बहुत विंटर्स आ गए हैं तो बहुत छोटे छोटे से कपड़े बच्चों के निकलेंगे लाइक सॉक्स वगैरह हैं जो कि मतलब एक दूसरे में मिलकर खो जाते हैं। और हम जो स्कार्फ वगैरह पहनते हैं गर्मियों में, वो सॉरी सर्दियों में, या गर्मियों में कोई भी कपड़ा हो, छोटे मोटे कपड़े आप इसमें इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं, कहीं पर भी नहीं खोएंगे। अगर आपके पास 3-4 डिब्बे हैं तो आप अलग अलग डिब्बों का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से रखने के लिए। और आप चाहे तो इसको इस तरीके से कवर करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर के जो प्लेटर है उसको भी यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर इस तरीके पे मेरे पास अगेन एक छोटा सा बॉक्स मैंने लिया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप अपनी जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको भी अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। तो ठीक है, 3-4 डिब्बे हैं तो आप इनमें, जैसे कि आप पन्नी वगैरह में पड़ी रहती हैं, बास्केट नहीं है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इनको इजिली आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जैसा कि हाँ इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने किचन में भी इनको अरेंज कर सकते हैं। तो अब मैंने इसके नीचे वाले पार्ट को यूज़ कर लिया है, तो अब इसके ऊपर वाले पार्ट को भी मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास कई तरीके की सब्जी होती हैं, तो आप अलग अलग सब्जियों को अलग अलग तरीके से इनमें फिल करके यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास और पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें इस तरीके से अगेन दूसरी सब्जियों को यूज़ किया है। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मैं सब्जियों को फ्रिज में इस टाइम नहीं रख रही हूँ, बाहर ही रखती हूँ। तो ये मेरी वेजिटेबल बास्केट है, तो अगर मैं सबको एक साथ भर देती हूँ तो ढूंढने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब एक ही में सारी सब्जियों को रख देते हैं। तो जैसे कि अब हमारी ये शिमला मिर्च है, टमाटर है, और ये सेम है, तो अगर मैं एक ही में सारा सब कुछ कर दूंगी तो काफ़ी मेसी हो जाएगा और निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप इस तरीके से इन बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं और आपको इजीली सब्जी वगैरह उठाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप इस आइडिया को भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको फ्रिज में भी अरेंज कर सकते हैं और काफ़ी सुंदर भी लगता है। तो नेक्स्ट आइडिया है, मेरे पास यहाँ पर कुछ डिब्बे और पड़े हुए थे, तो इस तरीके से मैं किचन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको एक डिब्बे को रखा है, दूसरे को इसके ऊपर रखा है। तो सबसे पहले मैंने चेक कर लिया फिक्स है, उसके बाद मैंने क्या किया, डबल साइडेड टेप से इनको अच्छे से आप सिक्योर कर सकते हैं। आप यहाँ पर दो 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 बार, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, दो अच्छे से मतलब टेप से अच्छे से चिपका सकते हैं, नहीं तो आप ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर और ऊपर दोनों तरफ मैं और अच्छे से यहाँ पर इसी टेप से, डबल साइडेड टेप से चिपका दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अरेंज कर लिया है अच्छे से, और यहाँ पर कुछ बॉक्सेस में इस तरीके से ही आप रख कर यूज कर सकते हैं। जैसे हम प्लेटफॉर्म वगैरह बनाते हैं, बाहर से रैक वगैरह लाते हैं, महंगी महंगी रैक्स वगैरह खरीदते हैं, तो आप उनको घर में ही इस तरीके से इजली बना सकते हैं और बस अपने किचन को अरेंज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ आइडियाज़, आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 है जो कि मैं डेकोरेटिव आइटम उससे बनाने वाली हूँ मिठाई के डिब्बों से। सो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।